दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक और नेक्स्ट नाइन लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बिजनेस के कुछ टिप्स देना चाहते हैं। दोस्तों आपको ये तो मालूम है कि बिजनेस एक ऐसा पेशा है जिसका क्रेज लोगों के बीच हर जमाने में बना रहा। बीते कुछ सालों से भारत में भी युवाओं के बीच नौकरी को छोड़कर स्टार्टअप या अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की प्रवृत्ति काफी देखी गई है। आखिर हो भी क्यों ना, दूसरों के अंडर काम करने की बजाय अगर खुद अपनी कंपनी का बॉस बनने का मौका मिले तो ऐसा मौका कौन छोड़ेगा। लेकिन बिजनेस में जितनी आजादी और जितना कमाई होता है उससे कहीं ज्यादा उसमें मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। और फिर बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं इस बात को भी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस में सीधे पैसा लगाने की बजाय छोटे बिजनेस से शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताते हैं जिन्हें काफी कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। जानिए आखिर ये बिजनेस कौन से हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। आज से 10 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंटरनेट के जरिए करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन आज ये संभव हो गया। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, बस आपके भीतर क्रिएटिव कीड़ा होना चाहिए। भारत में हजारों और लाखों ऐसे चैनल हैं जो घर बैठे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। डिजिटल युग में ब्लॉगिंग से भी पैसे कमाए जा रहे हैं। अगर आपके पास लिखने की स्किल है तो सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगर आप बड़े स्तर पर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो खुद की वेबसाइट भी आप बनवा सकते हैं। अब वो जमाना आ गया है कि शादी की पूरी व्यवस्था घर वाले करते थे। इस भागदौड़ भरे वक्त में शायद ही किसी के पास इतना वक्त होगा कि इतने बड़े आयोजन को अकेले मैनेज कर सके। इसीलिए वेडिंग कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल की लिमिटेड या कहें कि डिमांड बढ़ गई है। अगर आपकी रुचि कार्यक्रमों को मैनेज करने में है तो यह विकल्प आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपकी रुचि तस्वीरों को कैद करने में है तो फोटोग्राफी में आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है लेकिन आप इच्छुक हैं और कई सारे संस्थान इसके लिए कोर्स भी करवाते हैं जिसमें भविष्य बनाया जा सकता है। एक बार नाम बन जाने पर ना तो पैसे की कमी होगी और ना ही काम की। वेडिंग फोटोग्राफर भी आजकल लाखों रुपए वसूलते हैं। यह काम ऑफर के बाहर का है। अगर आपके भीतर नेटवर्किंग बिल्ड करने और टीम को मैनेज करने की क्षमता है तो ये बिजनेस भी काफी मुनाफा देने वाला है। इसमें आपको वेन्यू डिसाइड करने से लेकर वेडर्स और स्पॉन्सर से मिलना होगा। यह काम 24 घंटे का होता है। ये काफी बड़ा बिजनेस है, लेकिन अगर आपका नेटवर्क अच्छा है कम पैसों में भी शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आपके भीतर टैलेंट है और आप पढ़ने में अच्छे हैं तो ऑनलाइन कोर्स शुरू करना अच्छा साबित हो सकता है। आज बैंक, ASC से लेकर सिविल सर्विस की तैयारी ऑनलाइन कराई जा रही है। कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कई करोड़ का टर्नओवर बना रहे हैं। इसे शुरू करने में नाम मात्र पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसे राइटर होते हैं जिन्हें कुछ लिखने के लिए काम दिया जाता है लेकिन उन्हें काम करने का श्रेय नहीं मिलता। यह फ्रीलांसिंग राइटिंग के जैसे ही है, इससे में भी अच्छे पैसे मिलते हैं। ज्वेलरी सिर्फ सोने, चांदी या हीरे की नहीं होती। हमारे समाज में लंबे समय से कई तरह की धातुओं और रत्नों से गहने बनाने का चलन रहा है। मोती या मूंगे की मदद से कस्टमाइज ज्वेलरी तैयार की जाती है। इसे बनाने में लगने वाला कच्चा माल काफी सस्ते में मिल जाता है। आपको बस थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने की जरूरत होगी। यह पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम पर किया जाने वाला बिजनेस है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी और फिर एक वेबसाइट बनाकर अपना काम शुरू किया जा सकता है। आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। कोई भी काम सोशल मीडिया के बिना अधूरा है। कॉर्पोरेट से लेकर स्टार्टअप और सामाजिक संस्थाओं के लिए सोशल मीडिया की जरूरत पड़ती है। इसे शुरू करने से पहले आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। मार्केट में ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिनके संस्थापकों ने किसी कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज उनका ब्रांड पूरे देश और विदेशों में भी अपनी पहुंच रखता है।
लड़कियों के कपड़े बनाने वाली कंपनी बीबा की फाउंडर मीना बिंद्रा सबसे पहले सफल उदाहरण है। अपना खुद का फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू करने से लेकर उन्होंने कई लाखों रुपए तक शहर का एक बड़ा शोरूम खोल दिया, बल्कि दुकानों से ऑर्डर लेकर ये काम घर में भी शुरू किया जा सकता है। फिटनेस में आपकी रुचि है और आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जिम खोलने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो यूट्यूब या खुद की वेबसाइट बनाकर लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस काम में एक बार सफलता मिल जाने के बाद आप घर बैठे भी इसे कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर का दायरा काफी विस्तृत है और इसमें मौकों की कमी नहीं है। आप संगीत या नृत्य में महारत हासिल रखते हैं तो खुद का स्कूल खोलिए और लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। संगीत और डांस सीखने में रुचि रखने वालों की कमी नहीं है। के लिए आपको मुंबई या दिल्ली जैसे शहर का रुख करना पड़ेगा। बाकी शहरों में हालांकि काम ना के बराबर है, लेकिन बड़े शहरों में स्क्रिप्ट राइटर अच्छे पैसे कमाते हैं, ये भी रुचि और हाई स्किल वाला काम है। घर में खराब इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने से लेकर प्लम्बर और बाकी घरेलू काम को ठीक करने का पेशा हैंडीमैन सर्विस कहलाता है। शहरों में इन कामों को जानने वालों की अच्छी डिमांड है। ये काम घर बैठे स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। बड़े लोगों के ये जो पालतू जानवर होते हैं, अक्सर उसकी देखभाल करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। अपने देश में इस पेशे के बारे में अधिक जागरूकता नहीं है, लेकिन इसमें भी भविष्य बनाने के मौके बेशुमार हैं। अधिकतर कॉरपोरेट कंपनियों के पास खुद की रिसर्च टीम होती है, लेकिन छोटी कंपनियां ये काम बाहर के लोगों से करवाती हैं। अगर आपके अंदर किसी भी विषय को गहराई से समझने की रुचि है तो ये काम आप कर सकते हैं। इस काम को सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट या स्पोर्ट पर जिया हो। इसमें भी सफल होने के खूब मौके हैं। खुद की अकेडमी खोलकर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपको दो या दो से अधिक भाषाओं का अच्छा ज्ञान है तो ट्रांसलेटिंग का बिजनेस काफी अच्छा हो सकता है। विदेशी भाषाओं की जानकारी आपको अच्छी जगह पर पहुंचा सकते हैं। छोटी छोटी कंपनियां नौकरी के लिए उपयुक्त इंसान की खोज के लिए ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस की सेवाएं लेती हैं जिसमें अच्छा कमीशन मिलता है, तो आप भी इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं या पर्यटक आते हो तो आप टूर गाइड बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विदेशी भाषाएं सीखनी होगी, उस जगह के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। कार्ड मेकिंग का बिजनेस देश में अभी उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन इसमें काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए स्किल की जरूरत होगी और सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति भी होनी चाहिए। खाना बनाने का शौक भी हो सकता है और लोगों को सिखाने की ललक भी होती है, तो कुकिंग क्लासेस शुरू की जा सकती है। प्रोफेशनल कुक बनकर आप कुकिंग का काम भी कर सकते हैं। जब से भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ है तो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हुई। इस बिजनेस की खासियत ये है कि इसे बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो इसे आप घर से ही चला सकते हैं। आज भले ही ऑनलाइन और वॉलेट के जरिए रिचार्ज करने का ऑप्शन आ गया, लेकिन भारत में अधिकतर लोग अभी भी रिचार्ज शॉप से ही करवाते हैं, तो फोन रिचार्ज करवाना वो पसंद करते हैं। तो इस बिजनेस में इच्छुक लोग वो कहीं भी एक छोटी सी दुकान लेकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई और ऑनलाइन सर्विस को भी अपनी दुकान पर शुरू कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको पैसे कमाने हैं तो ट्यूशन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप चाहे तो अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाकर इसे संगठित तरीके से शुरू कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे शुरू करने में आपको ना के बराबर पैसों की जरूरत पड़ेगी। हर शहर में अच्छे टेलर की डिमांड हमेशा रहती है। अब तो डिजाइनर्स कपड़ों के प्रचलन में आ जाने के बाद खुद के सिलाई कपड़ों की मांग अधिक हो गई। इससे मार्केट में अच्छे टेलर की जरूरत महसूस की जाती है। इसमें हालांकि थोड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये भी एक फायदेमंद बिजनेस है। आमदनी बढ़ने के साथ लोगों के खान पान की आदतें भी बदलती है, इसीलिए बेकरी उत्पादों की डिमांड बढ़ी है। पहले जहां सिर्फ बर्थडे जैसे मौके पर ही बेकरी शॉप या कार रुक किया जाता था, वहीं अब स्नैक्स से लेकर बेकरी की उपयोगिता ज्यादा बढ़ गई है। आप चाहे तो किसी मशहूर बेकरी चेन की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, नहीं तो खुद की भी शॉप खोल सकते हैं।
इसे शुरू करने के लिए आपको अधिक पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको भी बिजनेसमैन बनना है, आपको लगता है कि आपकी खुद की कंपनी होना चाहिए, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं जो हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं, जिसमें से आपको बहुत कम लागत की आवश्यकता पड़ेगी और आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत और परिश्रम और आपका एक मिशन जरूर होना चाहिए, तभी आप बिजनेस में सफल हो सकेंगे।